अपने पसंदीदा शो यश एफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वैसे भी स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटी है। पाकिस्तान में सी फूड की वैरायटी, स्ट्रीट फूड की वैरायटी इतनी बड़ी है। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि जब पहली दफ़ा मैंने बनाए थे तो कुछ डिशेज़ थी, कबाब पराठा रोल हो गया, समोसे हो गए, और फिर मैंने कह रही तो ख़त्म हो गया। लेकिन पता ये लगा कि भाई ये तो इतनी बड़ी, इसकी इतनी ज़्यादा वैरायटी है। कराची ले लें खाली, मैं कहता हूँ कराची की स्ट्रीट फूड ले लें, किताब लिखी जा सकती है, इतनी सारी डिशेज़ हैं। तो आज की हमारी दो डिशेज़, एक लाहौरी फ्राइड फिश और एक चिकन हॉट शॉट्स बनाने जाएंगे। लेकिन आज का हमारा बम्पर है, टॉपिक है स्ट्रीट फूड। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहला काम तो शुरू करेंगे लाहौरी फ्राइड फिश के लिए। बड़ी सिंपल रेसिपी, ये कब से मैं बना रहा हूँ बिल्कुल इसी स्टाइल से, ये 1989 से, तो तकरीबन 33-34 साल हो गए। हमारे एक शेफ़ हुआ करते थे जिस होटल में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो बनाते थे, और वो टेस्ट अभी तक मुझे याद भी है और उसी तरीके से बनाता भी हूँ। लाहौरी फ्राइड फिश और भी तरीके से मैंने देखी बनाती हुई, लेकिन नथिंग लाइक इट। और थैंक्स टू हिम, इमाम दीन साहब नाम था उनका, और बड़ा ज़बरदस्त शेफ़ थे और बड़े काम सिखाने वालों में से। अच्छा जी, फिश को काट लेंगे, कोई सी फिश ले लें, बोनलेस हो, जिसमें कांटे ना हो। दरियाई फिश में कांटे ज़्यादा होते हैं, मीठे पानी की जो होती है वो उसकी सफाई वगैरह कर ले, लेकिन बेस्ट इसके लिए समुद्री फिश रहती है। और मछली की पहचान क्या है? पहले तो गोश्त सफ़ेद ना हो, ठीक है ना, थोड़ा सा वाइटिश होना शुरू हो गया, समझ लें कि ख़राब हो गया। और सी फूड हमेशा फ्रोज़न अगर आप ले रहे हैं, ये एक बड़ा रिस्क होता है। ऑल दो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छा काम करती है, लेकिन फ्रोज़न में आपको पता नहीं लगता कि किस किस्म का, जब घर लाएंगे डिफ्रॉस्ट करेंगे तभी इसका दीन ईमान पता लगता है। तो मेक श्योर कि फ्रेश लें। एक और मछली आती है पेंगासस, ये वियतनाम से आती है, बड़ी मशहूर है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, हर कुछ लेस है, बिल्कुल फ्लैट फिश है, सस्ती बहुत है। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाती है, सबसे मशहूर मछली है ये, केटरिंग वगैरह में सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उसकी जो अफजाइश है ये बिल्कुल ऐसी, जिस तरह पोल्ट्री चिकन के बारे में बहुत लोग शोर शराबा करते रहते ना, बिल्कुल वो भी ऐसी है। बहुत कम छोटी सी जगह में उसको मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ोरावर दवाइयाँ देते रहते हैं। 6 महीने के अंदर वो मछली जो 2 साल में बड़ी होती है, वो 6 महीने के अंदर फुल 3-4 किलो की हो जाती है, 5 किलो की, और फिर वो बेच देते हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स, मैंने अभी रिसेंटली पूरा प्रोग्राम भी देखा और वाकई फील हुआ कि हमारे पास समंदर इतना बड़ा है और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है मछलियों की, तो ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ले जी, मछली हमने काट ली, और इसके बाद क्विकली इसकी मैरिनेशन की तरफ आ जाएंगे। क्या कुछ इसमें डल रहा है? ये ले जी, अच्छा जी, चॉप किया हुआ हरी मिर्च, ये क्वांटिटी सारी की सारी आपके पास वहाँ पे आ रही होंगी। सूखा धनिया का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है कुटा हुआ, लेकिन अब थोड़ी ज़रा क्वांटिटी में ज़्यादा ही डालूंगा। ज़ीरा, अदरक, लहसुन और हल्दी, लीमू का रस। अच्छा, ये थोड़ी ज़रा चटपटी मछली है रेसिपीज़ की, इसका बैटर थोड़ा ज़रा खट्टा भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तीखा भी ज़्यादा होगा, बशीर भाई से माजरत के साथ। ये इसमें कुटी लाल मिर्च हमने डाल दूँ, नहीं बहुत है, काफ़ी है, बहुत हो गया। ये ले जी, इसमें नमक डाल दिया, और साथ में इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ये बैटर को थोड़ा कड़क रखेगा, क्योंकि बेसन के साथ इसको बना रहे हैं, तो बेसन पकने के बाद थोड़ा सा ज़रा नरम पड़ जाता है, उसको अगर आप कड़क चाहते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें, और साथ में इसमें हमने थोड़ा सा बेसन शामिल कर दिया, बेसन थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बेसिकली इसको थोड़ा क्रिस्पी क्रंची रखेगा और बैटर को संभाल के रखेगा। आमतौर पे होता ही है कि फिश बनाने के दौरान ये बैटर समटाइम्स खुल जाता है, और ये टेम्परेचर की वजह से भी होता है कि अगर आपने ठंडे ऑयल में उसको डाल दिया, ज़्यादातर इसी वजह से होता है, तो उसका बेस्ट तरीका ये, और ये बैटर को थोड़ा फुलाएगा भी, थोड़ा क्रिस्पी क्रंची भी रखेगा। ये रिज, एक छोटा चाय का चम्मच जिसमें हमने बेकिंग सोडा डाला, और आज हमारे साथ क्रिस्पी फ्राई का प्रोडक्ट है, इसको अभी हम नेक्स्ट डिश जो हमारी हॉट शॉट उसमें भी डालेंगे, लेकिन मैं इसमें भी डाल देता हूँ, उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। ये 3 स्टेप
मेथड से इसको बनाते हैं। यहाँ पे तो मैं इसको डायरेक्ट डाल रहा हूँ, लेकिन जो अगली रेसिपी है उसमें हम इसको तीन स्टेप में, यानी पहले ड्राई मिक्स में, फिर वेट मिक्स में, फिर ड्राई मिक्स में, और 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। ये इस फिश में मैं इसको डाल देता हूँ, इसका बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर आएगा। ये लीजिए, इसको मिक्स किया और इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। ये आ गया। अच्छा, पानी इसमें थोड़ा सा कम रखना है शुरू में, बहुत पतला ना हो जाए बैटर। तो हम ये करेंगे कि एक विस्क विस्क चलो कोई नहीं, इसको हमने हाथ से मिक्स कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। और पानी जिस तरह मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बैटर उसमें कमी रखेंगे, ज़्यादा पानी ना हो जाए, नहीं तो ये पतला हो जाएगा बहुत बैटर। ये लीजिए, दोबारा इसको मिक्स किया। ये लीजिए, थोड़ा सा पानी और, पानी को एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें फिश भी जो आएगी, मछली में भी थोड़ा सा पानी है, तो ये ना हो कि मछली के पानी की वजह से बहुत पतला हो जाए। बस अब बिल्कुल बैटर सही हो गया। अब इसमें मछली डाल देंगे। उसूलन इस मछली को इस बैटर में कोई तकरीबन आधा घंटा ज़रूर होना चाहिए, आधा पौना घंटा, ताकि इस बैटर का जायका इस मछली के अंदर आ जाए। लेकिन जल्दी है तो कोई मसला नहीं, अदरवाइज़ कोशिश करें कि आधा पौना घंटा इसको मिल जाए। ये मछली इसमें शामिल की। चलिए, इसको मिक्स किया और बस। इसके अलावा इसी तरह का अगर आप फ्राइड चिकन बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ मछली चेंज हो जाएगी, बस मछली के जगह चिकन आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि बोनलेस हो, हड्डी वाला बल्कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। चिकन बोटी बना लें और ये बैटर बना लें, इसके साथ बना लें, बहुत मज़े की इसकी रेसिपी बनेगी। ये लीजिए, मिक्स किया इनको और बस। मछली की दूसरा एक और चीज़, ये अभी हालांकि गर्मी का मौसम है, बहुत सारे लोग ये जिस महीनों में आर नहीं आता उसमें नहीं खाते। पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पर ये बात की जाती है। किसी मुल्क, किसी और मुल्क में कभी जाएँ, किसी को बता दें, बल्कि सर्च कर लें, इंटरनेट पर सर्च कर लें, उनको बोले इसमें क्या कहते हैं, ये पता नहीं किसकी उड़ाई हुई है और अभी तक उड़ रही है और लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं तो खाता हूँ पूरा साल मछली। आमतौर पर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि हफ्ते में आपको 2 दफ़ा खानी चाहिए, बग़ैर किसी मौसम की, और ये आर है और आर नहीं है, या इसकी तासीर गर्म है या नहीं है, पूरा साल आपको खानी चाहिए। हमारे यहाँ तो साल में 2 मरतबा खाते हैं, और वो भी होता ही है कि दिसंबर जनवरी में हम लोग खाते हैं, फरवरी मार्च तक बंद। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कोस्टल सिटी जिस तरह कराची में हम रह रहे हैं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि सी फूड रेस्टोरेंट ही नहीं है। बिल्कुल जो है वो बेचारे 2-3 डिशें रख के भी पछता रहे होते हैं, जो आम दूसरे रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं करता मछली का। एक और अलमिया ये भी है कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मछली भी नहीं मिलती, ये भी बहुत बड़ा मसला है। मेरे जैसे बंदा, मैं आपको बताया था, हमेशा बताता हूँ, मैं फिशरी से लेता हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि आम दुकानों में अच्छी क्वालिटी की मछली आती है, हर वक्त नहीं मिलती। आप ये नहीं कर सकते किसी एक दुकान से मछली ले रहे हैं, बोल रहे हैं हमेशा आएगी, आपके साथ हाथ होता ही रहेगा, हमारे साथ हो जाता है, अभी तक हो जाता है, लिहाजा मैं रिस्क नहीं लेता। फिशरी जाता हूँ, फिशरी में बड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ती, मजबूरन लेके ला के इसको पैक करके फ्रीज कर देता हूँ, फिर आराम से चलती रहती है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जिन लोगों ने खाई है उन लोगों को अफसोस भी हुआ है कि यार ये क्या चीज़ खा ली, तो उनके साथ भी ज़्यादती हुई है। लेकिन एक और इशू ये भी है कि आप ख़रीदना शुरू करेंगे तो फिर आपके पास आप देखिएगा कि लोग, या जिससे आप ले रहे हैं उसको आप बताएंगे कि यार ये चीज़ नहीं चाहिए, तो ख़ुद ब खुद वो देखेंगे, वो क्वालिटी चीज़ लाना शुरू कर देगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी मछली महंगी बहुत है। हम लोग जाते हैं सुरमई, रोहू, पम्फ्रे, ये 3 मछलियाँ हमें पता है, चौथी मछली की बात ही नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, आजकल के दिनों मुर्गी से ज़्यादा सस्ती आपको मछली मिल जाएगी। सोल, छोटे साइज़ की सोल जो है, ये फिशरी में 150-125 रुपये किलो, ये बल्कि इस हद तक है कि ये मछली वहाँ पे मैं एक टाइम मैंने ख़रीदी थी, मैंने कोई तकरीबन साल पहले 50 रुपये किलो ख़रीदी थी, और वो सारी मछली चिकन की फीड में जा रही थी वो पड़ी हुई थी, मैं उठाना, वो बंदे ने कहा कि भी तो मैं आपको ऐसी दे देता, 50 रुपये किलो भी लिए मछली, तो इससे सस्ती क्या बताएं। और फ़वाद इसके बेनता और ज़ायक़े में और टेस्ट में बहुत मज़े की है। ये ले, इसको मैरिनेट कर दिया, यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं इधर ही, और आ जाते हैं ऑयल गरम कर लेते हैं। बस इसके बाद इसको डीप फ्राई करना है, दैट्स इट। और नमक मैं इसका चेक लूँ, सही है, बेहतरीन है। चलिए, जैसे तेल गरम होगा इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। सिंपल 2-स्टेप कुकिंग है, जिस तरह मैं हमेशा ऐसी रेसिपीज के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि एक स्टेप में मैरिनेट किया और एक स्टेप में इसको अब डीप फ्राई कर दिया। चीज़ें मैं आपको फिर बता दूँ, बेसन इसका मेन वो है, इंग्रेडिएंट है इसकी कोटिंग का, बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
अच्छा जी, पहले तो अभी थोड़ा सा तेल मेरे ख्याल में एक दो तीन मिनट और हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाए, मैं आपको मछली के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। मछली जब भी ख़रीदने जाएँ पहले तो जहन में रखिए, अगर साबित मछली है, बहुत सारे लोग इसके गलफड़े आपको दिखाते हैं ना, वो जो इसके साइड पे जो गलफड़े होते हैं वो आपको दिखा के आपको दिखाते हैं कि लाल रंग के, वो एक एक निशानी है ज़रूर, लेकिन कभी भी उस पर ना जाएँ। आँखें, इसका सबसे सीधा सीधा रूल जो है इसकी आँखें कल वो ना हो, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, बिल्कुल क्लियर आइज़ हो, बस ये इसकी सीधी सादी निशानी है। छिलका भी ऊपर से कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको दबा के ऊपर से उंगली से भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो सख्त है कि नहीं, लेकिन सबसे आसान तरीका इसका आंखें देख लें। अगर आंखों में वो थोड़ा सा लाल रंग आया हुआ है या क्लियर नहीं है, समझ जाएंगे मछली ताज़ा नहीं है, और कोशिश करेंगे साबुत ख़रीदें। फिले करके या इस तरह के जो लोग बेचते हैं, समझ लें कि उनको मछली की हालत ऐसी हो चुकी होती है, फिर उसमें सिरका लगा के रख देते हैं, लीमू लगा के रख देते हैं, आपको स्मेल भी नहीं आएगी। लेकिन कोशिश करेंगे फ्रेश मछली जब आप ख़रीदेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कितनी बेहतरीन जायका होता है इसका। तेल गर्म हो चुका, ये लीजिए, ये सिंपली हमने एक एक पीस लेना है और इसको अच्छी तरीके से इसके मिक्स में कोट करके, और ये गया तेल में, दैट्स इट। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं, कौन? निगाह, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल मुझे। अच्छा, हाँ अब आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। हाँ हाँ, आगे आगे, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत जबरदस्त शो लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, डेली कुछ ना कुछ आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हलीम का मुझे पूछना था, आपने हलीम भी बहुत जबरदस्त बनाई, और वाकई मैं भी बनाती हूँ, बहुत ईजी है वैसे तो हलीम, लेकिन जो आपने इसमें टेक्निक बताई ना, पानी में डाल के नमक और सब ऐसा ही, ये बहुत अच्छा लगा, ये मैं नहीं करती हूँ, ये मैं जरूर इसको अप्लाई करूंगी। चलिए ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। और मुझे एक और पूछना था कि अगर दावत हम लोग हलीम के आइटम रखते हैं तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्या चीज के साथ दावत अगर हम लोग करते हैं, इसमें दो आइटम रखते हैं ना, हलीम हो तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन अच्छा लगे? हाँ, हलीम के साथ, तो हलीम के साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन की बात करें? दो आइटम खाने की हो, कोरमा बिरयानी की जैसा। हाँ हाँ, हलीम के साथ, हलीम इटसेल्फ ऐसी है, उसके साथ कोई चीज चलती नहीं मेरे हिसाब से, ये पूरा का पूरा खाना है, रोटी भी है, सालन भी है। लेकिन साइड डिश कुछ ऐसा मैं इसके साथ बताया, तो अभी आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए, और ये मछली फ्राई हो रही है। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मस्त इस्तेमाल करें, जब भी डीप फ्राइड फूड का इस्तेमाल कर रहे हो, कितना ही हेल्दी ऑयल क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करें कि इसमें ऑयल को यहाँ से जो एक्सेस ऑयल ये निकालना ज़रूरी है। और ये आ गया एक अदर चिमटा, टेम्परेचर में थोड़ा सा कम कर दूंगा। अच्छा, दो चीज़ें, कुछ लोग इसको बहुत पकाते हैं, बिल्कुल गत्ता, बाज़ार में नहीं होती जो फ्रेश फिश मिलती है, उसका नुकसान ये है कि वो टेस्ट उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, पसंद होता है कि बिल्कुल ओवर कुकड हो। मैं मछली पकाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसका बैटर ऊपर से जो है वो थोड़ा सा कड़क हो, और अंदर से मछली नरम होनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है, निकालेंगे जैसे निकालते हैं मछली नरम हो जाती है, देखा होगा ना, जैसे निकाला कोटिंग ताज़ा जो है बिल्कुल निकालते के दौरान उस टाइम ठीक होती है, थोड़ी बार नरम पड़ जाती है। तो इसको डबल फ्राई कर लें, डबल फ्राई से मुराद अभी जितनी फ्राई हो चुकी निकाल लें, फिर दोबारा जब सर्व करने लगे दोबारा फिर फ्राई कर लें, तो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची रहेगी, नरम नहीं पड़ेगी। तो हमेशा जिन लोगों को ज़रा क्रिस्पी बैटर वाली फ़िश ऊपर से चाहिए होती है, तो एक तो मैंने इसमें सोडे का इस्तेमाल किया है, उससे भी थोड़ी कड़क रहेगी, एक मैंने इसमें बेकिंग ये कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया उससे भी कड़क रहेगी, तीसरा तरीका ये है कि इसको हाफ़ फ्राई करके निकाल लें। जिस तरह बाज़ार में हमने देखी मछली, वो क्या करते हैं बेसिकली, मछली को हाफ़ फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर दोबारा फिर फ्राई करते हैं, उसमें मछली कड़क रहती है। ये ले जी, सिंपल एक एक करके फ़िश को निकालते जाएंगे, और ये भी जहन में रखिएगा जो हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, इसी क्वांटिटी बढ़े ना, अदरवाइज ये मछली बहुत डार्क कलर की हो जाएगी, ठीक है ना, और ऊपर से कोटिंग बहुत क्रिस्पी भी हो जाएगी, जो कि ज़रूरत उसकी नहीं है। ये ले, और तीसरा हमने इसमें एक और काम ये किया, इसमें हमने क्रिस्पी फ्राई ऐड किया है, उसकी वजह से मछली बहुत ही क्रिस्पी होगी। लेकिन अगली इसमें जो है, इसमें हम कम्प्लीटली पूरी प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करेंगे और आपको उसका तरीका बताएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। ये देखिए, कुकिंग टाइम मैक्सिमम मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट बस काफ़ी है। ये निकालते गए और एक एक करके वापस, ये देखें, इसको अच्छी तरीके से इसका बैटर कोट किया, ये लो, दैट्स इट, सिंपल। मछली कोई सी भी हो, और कोशिश करें ये ट्रेंड ख़त्म करें, मैं जब फिशरी जाता हूँ
मैं तो हर किस्म, एक दफ़ा कोई टेढ़ी मेढ़ी मछली ज़रूर ले गया था। टेढ़ी मेढ़ी से मुराद वो मछली जो बाज़ार में नहीं मिलती, जो लोग नहीं खाते, और मेजॉरिटी मरतबा एक तो ताज़ा होती है, दूसरी हर दफ़ा जब भी मछली ख़रीदी है रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा आया है। ये पैसों के पीछे जब हम जाते हैं ना, हमारी जो सुनी सुनाई मछलियाँ होती हैं, रोहू हो गया, सुरमई हो गई, पंजाब में अगर यहाँ पे खग्गा है, हर किस्म की मछली ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि अच्छा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हम लोगों ने एक फ़िक्स कर लिया है फ़लाँ मछली खानी है, फ़लानी खानी, उसकी वजह से एक तो इनके रेट बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड उनकी है ना। अब पोंफ्रे मछली कराची में फिशरी में भी आपको 1000-1200 से कम का किलो नहीं है, 1000 छोटा साइज़ जो, और फिर जितना बड़ा होता जाएगा 1800-2000 रुपये तक के केजी है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। कौन? ओह चले, अच्छा जी, इसको एक तरफ रखते हैं और थोड़ा सा और किचन एब्जॉर्बर पेपर निकाल लेते हैं। ये जी बस, अच्छा मैंने मछली निकाल के रख ली है। फिलहाल देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची इसका ऊपर बैटर है, ठीक है ना, बहुत कड़क है इसकी, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, कुछ 7-8-10-15 मिनट के बाद ये थोड़ी सी नरम पड़नी शुरू हो जाएगी। इसका तरीका फिर ये है कि दोबारा मछली निकाल के आप एक दफ़ा और उसको डीप फ्राई कर दें चंद मिनटों के लिए, दैट्स इट, फिर इसका बैटर इसका कड़क रहेगा। ये ले जी, मछली को ज़रा टर्न करते जाएंगे। और हमारे साथ कॉलर हैं, कौन? मुजफ्फर अब्बास साहब हैं, मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। अच्छा सर, ये जो आप फिश बना रहे हैं इसकी जरा रेसिपी तो बताइएगा, ये उर्दू में ना इंग्लिश में आ रही है? मैं अभी उर्दू में बताता हूँ आपको, और इसके अलावा कुछ? थैंक यू सो मच सर। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बड़ी सिंपल रेसिपी, सुन लीजिए। बेसन इसका मिक्स है, 1 किलो अगर आप मछली ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 पाव बेसन, ठीक है। अब उसके 1.5 पाव बेसन, 1 किलो मछली, मछली कोशिश करेंगे या तो बगैर हड्डी वाली हो, अगर हड्डी वाली हो तब भी एक जो पीस कटते हैं वो भी इसमें चल जाएगी, लेकिन बेहतर होता है कि इसमें कांटा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। चॉप किया हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये 3 ताज़ा चीज़ें इसमें डल गई, ठीक है ना, अदरक लहसुन हरी मिर्च। और इसके बाद इसमें नींबू का रस है, नींबू का रस ना मिले सिरका डाल दें, नमक है, ब्रेक है, और ब्रेक से वापस आते फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, वापस आ गए, और एक सवाल आपसे कर लेते हैं क्विक, बहुत आसान सवाल। कोई सी 3 मछलियों के नाम बता दें, बहुत आसान, पाकिस्तान में जो दस्तियाब हैं, और आपको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे क्रिस्पी फ्राई की तरफ से, बड़ी ज़बरदस्त इसमें चीज़ें। अच्छा जी, मछली तो फ्राई हो गई, और सवाल फिर दोबारा रिपीट कर दूँ कि किसी 3 मछलियों के नाम बता दें जो पाकिस्तान में आसानी से दस्तियाब है, कोई सी जो आपको याद हो। और जब भी साहब पूछ रहे थे इसकी रेसिपी, 1 किलो अगर मछली है बगैर कांटे वाली हो ज़्यादा बेहतर रहती है, अदरवाइज़ कांटे वाली भी चलेगी। और इसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 पाव बेसन, कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाला है, मकई का आटा जो बारीक होता है वो, उसको ऊपर से कोटिंग को कड़क रखने के लिए, और थोड़ा सा इसमें हम सोडा डालते हैं 1 चाय का चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा शामिल करेंगे तो इससे भी, जब ऊपर आप कभी फ्राई करते हैं ना और सोडा ज़्यादा डाल दें, इससे भी इसका बैटर टूटता है, खुल जाता है सारा, तो इतना हमने डालना है। कुछ लोग इसमें अंडा भी डालते हैं, वो भी डाल सकते हैं, वो भी इसको पकड़ के रखते हैं, लेकिन बेस्ट इसका जो पकड़ के रखने के, तो उसको इसका बैटर को पतला ना होने दें, थोड़ा सा गाढ़ा रखें, और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा ना हो। 2 मसले होते हैं, 1 इसका जायका थोड़ा सा ज़रा ख़राब हो जाता है, दूसरा फ्राइंग के दौरान ये काली पड़ना शुरू हो जाती है, काली हो जाती है, तीसरा अगर बहुत ज़्यादा इसमें डाल दिया तो ये बैटर खुलना शुरू हो जाता है, फट जाता है सारा, खुल जाता है, तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें जहन में रखें। सूखा धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, 3 से 4 खाने के चम्मच, कुटा हुआ बारीक पाउडर नहीं, ताज़ा कुटा हुआ, और सफ़ेद जीरा भी उतनी मकदार में। इसके बाद इसमें हल्दी है, 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 3 से 4 खाने के चम्मच, अगर वो ना हो तो फिर लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दें, और बस नमक शामिल करके इसको मिक्स कर लें और फ्राई मारें। हमारे साथ कॉलर हैं, एक और उमर साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी फिश बना रहे हैं आज। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और मैंने आपकी सवाल का जवाब देना था। जी बताइए। मछलियाँ तो वैसे बहुत हैं, खग्गा, पल्ला, काला रोहू, रोहू और सिंगाड़ा। बस ठीक है, जिंदाबाद, बेहतरीन। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मेरी अम्मी बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देख। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सलाम कहिएगा उनको।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे और फ़िश होगी फ्राई। यहाँ पे मैंने ऑयल मज़ीद रख दिया। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस ऑयल में फ़िश फ्राई हो जाए सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, उसमें कभी भी चिकन कोई और चीज़ फ्राई ना करें। फ़िश का ऑयल में मछली का जायका आ जाता है, फिर वो और चीज़ों में नहीं चलता। चिकन के फ्राई किए हुए ऑयल में मछली फ्राई हो सकती है, मछली के फ्राई किए ऑयल में चिकन फ्राई नहीं हो सकता, सीधे सीधे। अच्छा, जब यहाँ पे आ जाते हैं और क्रिस्पी फ्राई की रेसिपी, और ये हमारे पास तकरीबन कोई आधा किलो के करीब लगभग चिकन है जिसको हमने इस तरह की क्यूब में काटा हुआ है। बड़ी सिंपल रेसिपी, दो काम हमने करने हैं इसको, सिंपल थ्री स्टेप कुकिंग बोलते हैं, मिक्सिंग बोलते हैं। आपने सिंपली ये लिया पैकेट इसका, और इसके लिए एक अदद कैंची की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। चले, नहीं आ गई, आ गई। चले जी, हाँ ये ले जी, पैकेट खोल लेते हैं। दो पैकेट मैं ले रहा हूँ और एक पैकेट यहाँ पे आ गया, ये इसका ड्राई मिक्स है, और एक पैकेट मैं यहाँ पे ले लूँगा, ये आधा पैकेट मैं इसका वेट मिक्स बनाऊँगा, ठीक है ना। यानी वेट से मुराद ये पैकेट लिया, इसमें हमने लेके क्वांटिटी ज़्यादा है अदरवाइज़। ये देखें, ये इसमें इतना मैंने डाल दिया, और इसका थोड़ा सा बचा के इसे ड्राई मिक्स में डाल दूँगा, ठीक है ना। तो ये इसमें पानी हम शामिल नहीं करेंगे, इसमें हम पानी शामिल करेंगे, और आपको थोड़ा सा बता दें, बस थोड़ा सा पानी शामिल किया इसमें, बहुत पतला नहीं करना है इसको, मैं इसको कर लूँगा मिक्स। और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहीं जाके विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और क्रिस्पी हॉट शॉट्स बनने जा रहे हैं, और तरीके से बनेंगे कैसे, क्रिस्पी फ्राई का बैटर ले लें। उससे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं क्रिस्पी फ्राई के लिए, कि कोई सी तीन मछलियों के नाम बता दें पाकिस्तान में जो दस्तियाब है। बहुत आसान सवाल, मेरे ख्याल में हर एक को पता होगा, नहीं पता तो किसी से पता करके जवाब दे दीजिए, और जीतिए क्रिस्पी फ्राई का पैकेट गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, ये इनका बड़ा इजी बेहतर मेथड, और वो ये है कि थ्री स्टेप्स, एक ड्राई मिक्स और एक वेट मिक्स। वेट मिक्स में हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, ड्राई मिक्स एज इट इज़ है। चिकन के पीस को लिया, कोई इसमें नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं करना, ये कंप्लीट रेडी मिक्स है, ठीक है ना। कुछ लोग होता है समझते हैं कि शायद इसमें हमने कुछ चीज़ शामिल करनी है, इसमें फ्लेवरिंग और नमक सब कुछ एडेड है। आपने सिंपली सबसे पहले चिकन के पीसेस को लिया, इसको ये ड्राई मिक्स में डाला, ये देखिए, और इसको अच्छी तरीके से कोट करने के बाद एक में, बल्कि आपको तरीका और बड़ा आसान तरीका बताऊँ, बड़ा अच्छा तरीका, ये देखें, ये चिकन के पीसेस को आपने एक साथ बहुत सारे लिया, कोट किया, इसके बाद इसको इस तरह के चम्मच में डाल के, ये देखिए, तो इसको आपने इस तरह छान लिया, ठीक है, बस। इसके बाद आपने इसको वेट मिक्स में डाला, इसको मिक्स किया, थोड़ा सा कोट किया, और फिर दोबारा इसको ड्राई मिक्स में डालेंगे, बस। ये इसका थ्री स्टेप है। एक स्टेप में देखें, एक एक करके पीसेस डालें, तेल हमारे पास गर्म हो चुका है, और इसके बाद इसको हम करेंगे डीप फ्राई। सो पहले खुश्क में, फिर इसको तर में, फिर खुश्क में, बस। और ये कोटिंग कम्प्लीट हो गई, इसमें नमक वगैरह सब कुछ एडेड है, फ्लेवर इसको कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा शामिल नहीं करनी, और इस तरह का बेहतरीन, और उसकी कोटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी, मैं आपको दिखाते हैं। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हिना कराची से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपके कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बस मुझे आपका बताना था कि कल का प्रोग्राम आपका बहुत जबरदस्त था डाइटिंग के हवाले से। जी जी। और मुझे एक दो फरमाइशें करनी थी। एक तो आपने बोला था मैंगो स्क्वाश के लिए, कम्प्लीट करे क्योंकि बारिश आए तो फिर आम गए, पता है, ठीक है, डन है, डन है। और एक को पूछना था उसका ना, अलसी के बीज का आपने बताया था कि आप आटे में भी शामिल कर सकते हैं, वो तो मैं खैर मैं कर लेती हूँ, लेकिन बस ये पूछती थी कि हम पीस के तो मैं रख लेती हूँ, जैसे मैं सब्जी बनाऊँ या दाल बनाऊँ तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं या दही के साथ खा सकते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि अलसी के बीज दही में डाल के भी खा सकते हैं, मतलब पीस के। मैं भी आपको दोनों तीनों चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट वीक पर हम एक ब्रेड भी बना रहे हैं, उसमें अलसी का इस्तेमाल है। दूसरा, आटे में इसका बेस्ट तरीका इसको इस्तेमाल करने का आटे में, लेकिन आटे में इसको आटे में मिक्स करके ना रखिए, ये इसमें चूंकि ऑयल होता है, और यहाँ पे गर्मी और नमी कराची में बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर कराची में, किसी भी और शहर में अब तो आजकल नमी गर्मी हर तरफ है। ये ऑयल
की वजह से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसको पीस के फ्रिज में रखें और जब आटा गूंदें तो तकरीबन एक किलो अगर आटा है तो उसमें एक कप ये पीस के मिला दें, बेस्ट तरीका है। अदरवाइज़ इसको आप दही के ऊपर भी डालें, ये इस्फिगोल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये आपका दोनों फ़ायदे देगा। रात को सोने से पहले पानी में घोल लें 2 खाने के चम्मच, ये इस्फिगोल का काम भी करेगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दही में इस्तेमाल कर ले, किसी चीज़ में खाने में ऊपर डाल दे, बेस्ट है। इसका कोई टेस्टलेस है, कलरलेस, वो कलर भी इसका इतना खास नहीं है, मतलब चेंज नहीं करता। इतनी थोड़ी मकदार में हम डाल रहे हैं तो पता नहीं लगेगा ऐसा, हमारे यहाँ तो पता लग जाए ना तो फिर वो सब के सब निकाल के ये क्या डाल दिया, तो इसको पीस के डालेंगे किसी को पता नहीं लगेगा। ब्रेड बेस्ट है। और नेक्स्ट वीक में हम स्क्वाश भी बना रहे हैं और नेक्स्ट वीक में एक ब्रेड भी बना रहा हूँ जिसमें अलसी का इस्तेमाल है, वो देखिएगा ज़रूर। ये नहीं जी, ये हो गया तैयार एक एक करके। इसके एक्सेस मैदे को हमने थोड़ा झाड़ लिया और बस। डीप फ्राइंग का टाइम इसका मैक्सिमम 4 से 5 मिनट है, छोटे क्यूब्स हैं, चिकन बोनलेस है, इतनी देर इसको नहीं लगेगी। ये ले जी, चूल्हा वापस कर देते हैं ऑन और दैट्स इट। इसको मिक्स करते जाएंगे। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 4 से 5 मिनट और मीडियम हीट पे इसको पकाना है, बहुत तेज़ हीट पे नहीं। इन केस अगर बहुत ज़्यादा हीट हो चुका हो, चूल्हा ये ऑयल बहुत गर्म हो चुका हो, तो चूल्हा इसका बंद कर दिया करें ताकि टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो जाए। दोबारा फिर आप इसको वापस, जैसी टेम्परेचर नॉर्मल हो तो फिर आप इसका चूल्हा वापस ऑन कर सकते हैं। ये इसको मिक्स किया जी। जय भाई ब्रेक शाह, वो कह रहे हैं ब्रेक करो, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। वापस आ गए, चिकन फ्राई हो रहा है और एक खेप हमने निकाली, दूसरी खेप फ्राई हो रही है। सिंपल इसकी कोटिंग देखें, बड़ी ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची रहेगी। ये आ गई यहाँ पे हमारी क्रिस्पी हॉट शॉट्स। ये सवाल हमने आपसे किया था कि मछली की कोई 3 अकसाम बता दें, तो अभी तक तो कोई जवाब एक आया नहीं, एक ही आया था। वो विनर हैं लाहौर से उमर साहब, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत गए हमारा बल्कि क्रिस्पी फ्राई का गिफ्ट हैम्पर। ये रिच, दैट्स इट, इसको हम करेंगे फ्राई। ये रिच, कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट। चिकन है, बहुत जल्दी बोनलेस है, इतना टाइम इसको लगता नहीं है। और ये जो हमने फिश बनाई है इसको अभी भी ऊपर से हल्की हल्की सी क्रिस्पी है, लेकिन अगर आप चाहें इसका बैटर दोबारा फ्राई करके एक दफ़ा और निकाल लें तो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी। बेस्ट तरीका इसका होता है यही है कि आप एक दफ़ा इसको फ्राई करके थोड़ा सा निकाल के रख लें और थोड़ी देर बाद फिर आप इसको दोबारा फिर फ्राई कर लें जब आप इसको खाना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर क्रिस्पी क्रंची कोटिंग इसकी आती है। ये लीजिए, धनिया डाल दिया, थोड़ा सा लेमन आ गए और बस। चलिए ये तैयार हो गया, इसको एक तरफ को करते हैं और यहाँ पे चिकन भी पक चुका, चिकन भी निकाल देते हैं। ये लीजिए, बस। और साथ में इसके डिपिंग सॉस रखना ना भूलिएगा, इसका बहुत मज़ा आता है। केचप बेस्ट है, अदरवाइज थोड़ा चेंज अगर करना चाहें तो बारबेक्यू सॉस और इसके साथ चिली गार्लिक सॉस, कोई सा सॉस जो आपको आसानी से दस्तियाब हो और थोड़ा मुख्तलिफ हो। ये ले, ये चिकन फ्राई हो गया। चलें जी, चिकन का तो बड़ा सिंपल तरीका, क्रिस्पी फ्राई अगर आपके पास है तो फिर इसकी कोटिंग बहुत आसान है। सिंपली आपने एक पैकेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। मेरे पास चिकन ज़्यादा था तो मैंने तकरीबन 4 पैकेट इस्तेमाल किए, ठीक है। 1.5 पैकेट का मैंने वेट मिक्स बनाया, वेट से मुराद 1.5 पैकेट लिया पानी में, इसको तकरीबन 1 कप पानी में इसको मिक्स कर लिया। बहुत पतला नहीं होनी चाहिए कोटिंग और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा दरमियाना। इसके बाद हमने चिकन के पीसेस को, कोई मसाला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले इसको ड्राई मिक्स में डाला, यानी जो जिसमें पानी नहीं मिक्स किया हो, कोटिंग की, फिर इसको पानी वाली मिक्स में डाला, दोबारा फिर ड्राई में डाल दिया, बस। उसके बाद इसको कर दे फ्राई क्विक। और लाहौरी फ्राइड फिश, बेसन और मछली इसमें कोई सी इस्तेमाल कर ले, बगैर कांटे वाली हो ज़्यादा बेहतर रहता है, अदरवाइज़ कांटे वाली भी इस्तेमाल हो जाएगी। 1 किलो मछली, उसमें तकरीबन 1.5 पाव बेसन, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, और ज़ीरा, धनिया और नमक,
थोड़ा सा बेकिंग सोडा एक चाय का चम्मच, 3 से 4 खाने के चम्मच नींबू का रस, कुटी हुई लाल मिर्च डालिए। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है। और बस इसके बाद इसको मिक्स किया, डीप फ्राई कर दिया, दैट्स इट। क्रिस्पी ऊपर से थोड़ा ज़रा एक्स्ट्रा कोटिंग चाहिए तो डबल फ्राई कर लें, और अगर आपके पास क्रिस्पी फ्राई का मिक्स पड़ा हुआ है तो फिर आपको सिंगल फ्राई में ही अच्छी इसकी क्रिस्पी कोटिंग मिल जाएगी, दैट्स इट। चलिए, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हूँ, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।